हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अपने इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने आने वाले यूज़र से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। दोस्तों, आज का मेरा ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हॉस्पिटल में कौन से लोग दाखिल हो रहे हैं आजकल। हॉस्पिटल में एक वार्ड है जिसको ICU कहा जाता है, जिसको उर्दू में इंतहाई निगहदाश्त यूनिट भी कहा जाता है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कौन से ऐसे लोग हैं और क्या वजह है जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा ICU में एडमिट हो रहे हैं। 20 से 40 एज ग्रुप के लोग जो हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, तो उसकी रीज़न ये है कि किसी की शरियान फटी हुई थी, किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई था, किसी को शुगर थी, BP लो का इशू था, किसी का शुगर लेवल कम था, किसी को चक्कर आ रहे थे। यहाँ तक कि तमाम लोग बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बीमारियों में मुब्तला होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको एमरजेंसी वार्ड, जिसको आईसीयू कहा जाता है, उसमें एडमिट थे। और इन ख़तरनाक बीमारियों की वजह से बहुत ज़्यादा डेथ्स भी हो रही हैं। दोस्तों, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या वजूहात है जिसकी वजह से 20 से 40 एज ग्रुप के लोग जो थे वो एमरजेंसी वार्ड में आजकल मुंतकिल होते जा रहे हैं या एडमिट होते जा रहे हैं। इसकी रीज़न ये है कि आजकल 20 से 40 एज ग्रुप के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनको इन ख़तरनाक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। ये सिर्फ फास्ट फूड खाने की वजह से ही नहीं हो रहा, क्योंकि सिगरेट नोशी भी आजकल बहुत से यंगस्टर्स कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मिलावटी वाली चीज़ें खाते हैं, क्योंकि बाहर से कभी भी आपको जो है हाइजीनिक फूड नहीं मिलता, अनहाइजीनिक फूड ही खाने को मिलता है। देखने को तो वो साफ़ सुथरा लगता है, लेकिन आपको ये नहीं शायद पता कि वो किस तरह से बना है, प्रॉपर जो फूड बन रहा है वो कवर है या नहीं है आपको नहीं पता। लेकिन होटल्स में जो होते हैं वो प्रॉपर फूड जो होते हैं वो कवर्ड नहीं होते, अनकवर्ड ही होते हैं, और पता नहीं किस तरह की हाथों से बनाया जाता है, हाथों को प्रॉपर वॉश भी किया जाता है या नहीं किया जाता, तो इस वजह से दूसरे लोग खा कर खाना बीमार हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको ICU की वार्ड में शिफ्ट करना पड़ जाता है। और इन सब से बढ़कर बचपन में हाइपोटेंसिव के इंजेक्शंस जो है बचपन में बच्चों को लगाए जाते थे, जिसकी वजह से अब जो है जब भी उनको इंजेक्शन लगता है तो अब स्टीरॉयड का इस्तेमाल किया जाता है, नशा आवर अद्वियात दी जाती हैं जिसको खाकर वो हर वक्त नशे की हालत में ही रहते हैं। ऑल टाइम उनको गनूदगी छाई होती है, नींद आ रही होती है, कोई काम करने में उनका दिल नहीं लगता। तो दोस्तों, आज मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूं, इसलिए आप लोगों को चाहिए कि आप खुद भी और अपने बच्चों को भी फास्ट फूड और बाहर के खानों से मना रखें, ताकि आप लोग इन ख़तरनाक बीमारियों का शिकार ना हो सकें। सो दोस्तों, ये थी आज की मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि जल्द से जल्द मज़ीद वीडियोस आप तक पहुँचाई जाएँ।